तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर चुन चुन कर हमले की खबरों से पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। बिहार में भी उनके परिजनों को अपनों की चिंता सता रही है। इन सब के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल ने बिहारी प्रवासियों से न डरने की अपील की है। तमिलनाडु में प्रवासी श्रमिकों पर हमले की अफवाहों के मद्देनजर रविवार को तमिलनाडु के राजभवन से संबंध में जानकारी दी गई और आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि राज्यपाल आर एन रवि ने उत्तर भारतीय श्रमिकों से घबराने और असुरक्षित महसूस न करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग बहुत अच्छे और मिलनसार हैं और राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आश्वासन दिया था कि राज्य में सभी प्रवासी मजदूर सुरक्षित हैं। एम के स्टालिन ने चेतावनी दी थी कि जो कोई भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले पर चिंता व्यक्त की थी और मुख्य सचिव और डीजीपी से श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह भी किया था। सीएम के आदेश पर शनिवार को बिहार के 4 सदस्यीय टीम चेन्नई पहुंची। 4 सदस्यीय टीम में बाल मुरुगन सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार, कणन पुलिस महानिरीक्षक आलोक कुमार, बिहार श्रम आयुक्त संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक शामिल है। बिहार राज्य ग्रामीण विकास विभाग के सचिव IAS बाल मुरुगन ने भी सहयोग के लिए तमिलनाडु सरकार का आभार व्यक्त किया है। तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की अफवाह फैलाने के आरोप में भाजपा नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में वकील भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव और 2 पत्रकार शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ तूतीकोड़िन और पत्रकार के खिलाफ तिरुपुर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में मामले को दर्ज किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद तनवीर और शुभम शुक्ला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।